आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। आज भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के कैंटीन चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया है। बता दें कि विगत दिनों भागलपुर में भाजपा की केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के पुत्र अर्जित शाश्वत द्वारा दंगा भड़काने के आरोप में आरोपित वारंटी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसको लेकर युवा लोकसभा अध्यक्ष अजीत कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार का तथा वर्तमान राज्य सरकार विपक्ष के साथ बदलने की भावना से कार्यरत है, जो सरकारी तंत्र के सहयोग से दोषियों को बचाने में लगी हुई है। जब तक दोषी एवं आरोपित वारंटी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, युवा कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर कुमार रत्नेश टुल्लू संजीत चौधरी विकास कुमार झा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। बिहार प्रदेश के तमाम जिला इकाई के द्वारा भागलपुर में जो जातीय दंगा फैलाया गया, जिसके आरोप में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटा अर्जित शाश्वत की गिरफ्तारी का वारंट निकाल दिया गया है, फिर भी हमारे नीतीश कुमार जी सुशासन की बात करते हैं लेकिन इनके सुशासन में अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है, जो शांति और जातीय दंगा को भड़का कर लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया और उसके विरोध प्रदेश के आह्वान पर जिला हमारे लोकसभा कमेटी और विधानसभा कमेटी ने भागलपुर में जो हिंसा भड़काया गया है, आपस में दो वर्गों को लड़ाने के लिए हमारे बीजेपी के कद्दावर नेता अपने आप को समझते हैं अश्विनी कुमार चौबे, जो अभी केंद्र के मंत्री हैं, जो अभी इस देश के चौकीदार के सिपाही हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें आईबी इंडिया न्यूज़।